वैसे जो भी कहिए, जब हम पारंपरिक तरीके से तैयार होते हैं ना, उसमें एक अपना ही आनंद होता है। वैसे सज धज के तैयार तो हमारी अनोखी भी है। वो क्या है ना कि उनकी शादी तय हो गई थी। शादी तय क्या हो गई थी जनाब, शादी हो रही थी। ये तो मंडप से भागकर आ गई हैं अपनी परीक्षा देने। जी हाँ, आपके पढ़ने लिखने के जज्बे को हम सलाम करते हैं, लेकिन दुल्हन बनकर ही आप तो एग्जाम देने आ गई। सोला श्रृंगार कर वो दुल्हन बन गई है, बस उसे इंतजार है तो अपने पिया के पास जाने का। लेकिन वो शादी ही क्या जहाँ पर दूल्हा दुल्हन इतनी आसानी से मिल जाए। इस शादी में कोई ट्विस्ट तो होना चाहिए। एग्जाम के डेट्स तो चेंज हो गए, वो आम बात है, लेकिन आज मेरी शादी के दिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसा कि आप सबको याद होगा, स्थिरत के शादी के दिन उसका मैच प्रीपोन हो गया। दुल्हन गई, पहले मैच जीत कर आई और उसके बाद शादी रचाई। तो भाई यहाँ पर तो अनोखी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसके लिए पढ़ाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में वो अपने एग्जाम्स कैसे छोड़ सकती है। चांस ऐसा होता है कि एग्जाम्स का ऐलान किया जाता है तो उसे भागना पड़ता है, बिकॉज वो दोनों कैसे हैंडल करती है। सो दिस इज अनोखीज लाइफ नाउ। यहाँ पर भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। ये एग्जाम नेक्स्ट वीक होने वाले थे, लेकिन अनोखी के ही ससुराल में कोई ऐसा है जो नहीं चाहता है कि ये शादी हो, जिसकी वजह से एग्जाम्स प्रीपोन हो गए। तेज सर खुश नहीं है इस शादी से, तो अड़चन लाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे कि शादी रुक जाए। तो इसीलिए शायद जो अगले हफ्ते एग्जाम होने वाले थे वो इस हफ्ते उन्होंने रख दिया। अब 11:30 बजे का पेपर है जो 2:30 बजे तक चलेगा, और 2:30 बजे इस शादी का शुभ मुहूर्त है। अनोखी तो अनोखी है, वो दुल्हन के लिबास में ही पहुंच गई एग्जाम्स देने, और जी जान से उसने एग्जाम का पेपर कंप्लीट किया और फटाफट भाग कर आ गई। पर फिर भी मैं मैनेज करती हूँ। She's अनोखी। Nobody can beat her. Nobody can beat me. अब अनोखी ने भी ये कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी जिंदगी में ये कभी ऐसा मोड़ भी आएगा। लेकिन अनोखी टेंशन ना लीजिए, क्योंकि आपकी और शौरी की शादी होकर ही रहेगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।